सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में आपको तीन काफी बड़े अपडेट्स देने वाला हूं। सबसे पहला मोहन बगान सुपर जायंट्स की तरफ से। सो लाइक मोहन बगान कुछ कर रहा है, लाइक कुछ ऐसा कर रहा है जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने हबास एंटोनियो लोपेस हबास को फिर से वापस लाया अपनी टीम में, लेकिन नॉट एज अ कोच बट एज अ टेक्निकल डायरेक्टर। लाइक मैं सच बता रहा हूँ, हबास का जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ भी कर लो, उनका सैलरी लिटरली बहुत ज्यादा है। आपने ऑलरेडी जुआन फर्नांडो को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है, और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि हबास का ये जो पूरा डील है, इसका जो सैलरी है, हबास का जो सैलरी है वो सैलरी कैप के अंडर नहीं आता। एंड लिटरली ये बहुत बड़ा बात उनका टेक्निकल डायरेक्टर लाना अपनी टीम में। सो लाइक जुआन फर्नांडो है अब एज अ टेक्निकल डायरेक्टर, हबास भी है, तो पता नहीं लाइक यू नो ऐसा पैसा ऐसे नदी की तरह बह रहा है। एंड लाइक पैसा बहुत बहुत अंधों की तरह पैसा खर्चा किया जा रहा है अभी मोहन बगान की तरफ से। और लिटरली लाइक यू नो काफी शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्या हबास का साइनिंग अचानक लाइक बहुत सडनली हुआ है चीज। एंड काफी ऑफ गार्ड हुआ है, क्योंकि लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का साइनिंग हो रहा है, कोच का एक्सटेंशन हो गया है, आपके पास ऑलरेडी इतना अच्छा कोच है, लाइक जुआन फर्नांडो अच्छे कोच, मेरे लिए ठीक ठाक कोच है वो, एंड फिर आप हबास को ला रहे हो एज अ टेक्निकल डायरेक्टर। सो लाइक लिटरली लाइक यू नो ऐसे बोलते हैं ना कि पैसा उड़ाना, पैसा यू नो बहा देना। तो लाइक संजीव गोयनका ने पूरा एकदम पैसे का नल खोल के रखा है अलग से। तो लाइक फंड्स का तो बिल्कुल भी कमी नहीं है मोहन बगान के पास, एंड वो लोग फुल रेडी है इस बार मुंबई को टक्कर देने के लिए, वो काफी ज्यादा क्लियरली विजिबल है। और जितना साल जा रहा है, मोहन बगान का जो एग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर मार्केट में वो हद से ज्यादा है। लाइक दूसरे क्लब्स मैच नहीं कर पाएंगे, लाइक यू नो मुंबई को छोड़ के बाकी क्लब्स के लिए मोहन बगान का ये जो ट्रांसफर, ये जो इतना जो ह्यूज फंड्स एलोकेशन वो लोग करते हैं, उसको मैच करना लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ये काफी प्रैक्टिकल चीज है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हाँ, देखते हैं कि यार हबास का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है मोहन बगान में आने वाले सीजन में। एंड इस चीज को लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। स्पेशल हमारे हैदराबाद एफसी की तरफ से, तो हैदराबाद एफसी ने भी एक प्लेयर का फाइनली साइनिंग कंप्लीट कर लिया है, एंड उनका नाम है जो नोलेस। और जो नोलेस से 26 ईयर ओल्ड राइट विंग पोजीशन के प्लेयर है, और लास्ट सीजन ये ए लीग में थे, ब्रिस्बेन रोअर में थे, लेकिन ब्रिस्बेन रोअर ये छोड़ने वाले, ये कंफर्म हो चुका है। लाइक मैं कंफर्मेशन से दे रहा हूँ कि हाँ ब्रिस्बेन रोअर छोड़ने वाले, एंड हैदराबाद ही ज्वाइन होने वाली है। और 20 मैचेस खेला था लास्ट सीजन, उन्होंने एक गोल किया, 3 असिस्ट, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एज बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो एशियन कोटा का प्लेयर भी मिल जाएगा हैदराबाद को। तो ओवरऑल एक साल का डील है हैदराबाद के लिए, है अभी तक तो बस एक, मतलब अभी के लिए एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया, बाद में उसको एक्सटेंशन किया जाएगा, नहीं वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि जो नोलेस का परफॉर्मेंस हैदराबाद में आने वाले सीजन में कैसा रहता है। नेक्स्ट खबर है बैंगलोर की तरफ से, तो बैंगलोर ने भी अपना असिस्टेंट कोच अनाउंस कर दिया, एंड बैंगलोर के असिस्टेंट कोच होने वाले रेनेडी सिंह। अब रेनेडी सिंह के पास भी इंडियन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, ऑल्दो उन्होंने एक टाइम ईस्ट बंगाल को मैनेज भी किया, असिस्टेंट मैनेजर भी रह चुके वहां पे, उतना कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन मैं ईस्ट बंगाल के परफॉर्मेंस को देख के पूरा एक प्लेयर का लाइक एक यू नो कोच का पूरा परफॉर्मेंस लाइक जज नहीं करूंगा। एक्सपीरियंस है उनका इंडियन फुटबॉल में, एंड मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली काफी काम में भी आएगा बैंगलोर के, तो एक अच्छा डील बैंगलोर के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि यू नो अच्छे सिलेक्शंस भी वो करें, ऑलरेडी टीम काफी सेटल है तो दिक्कत होना नहीं चाहिए ज्यादा, और इस बार तो टेक्निकल पूरा डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है बैंगलोर का। सो इस चीज के लेके आप लेकर थॉट्स आप कमेंट मुझे जरूर बताना। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं दोनों के साथ, तब तक के लिए।